डियर स्टूडेंट्स, आज के रिवीजन सीरीज वीडियो का टॉपिक है इको सिस्टम। बट उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहूंगा, हमारे फ्री टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट जो कि नीट फुल सिलेबस टेस्ट है, वो हमारे वेबसाइट पे एक्टिव हो चुका है। इससे पहले दो टेस्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में अपियर नहीं किया है तो मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस टेस्ट सीरीज में अपियर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, ट्रॉपिक लेवल्स इन अ इकोसिस्टम। तो ट्रॉपिक लेवल्स में वी हैव T1, T2, T3, T4, वी कैन गो अप टू T5 आल्सो। सो T1 लेवल पे प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट। आखिर ये प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो दे आर द ग्रीन प्लांट्स। T1 लेवल से ऊपर में T2 लेवल में वी हैव द प्राइमरी कंज्यूमर्स। नाउ प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे विल बी फीडिंग ऑन दिस ग्रीन प्लांट्स, सो दे विल बी कॉल्ड हर्बीवोर्स। देन वी हैव गॉट सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, दे विल फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज ऑन द हर्बीवोर, सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड कार्निवोर, बट दे आर प्राइमरी कार्निवोर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर इज अ प्राइमरी कार्निवोर एंड देन द सेकेंडरी कंज्यूमर इज फीडेड अपॉन बाय द टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड दे आर नथिंग कॉल्ड द सेकेंडरी कार्निवोर। अगर हम लोग एक लेवल और ऊपर जाते हैं, दैट इज एट द T5 लेवल, तो टर्शियरी कंज्यूमर के बाद क्या आएगा? क्वार्टरनरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कार्निवोर के बाद क्या आएगा? टर्शियरी कार्निवोर। सो स्टूडेंट, यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे कैन आस्क यू अबाउट द लेवल ऑफ कंज्यूमर और कार्निवोर कि वो लोग किस ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। तो देखिए, यू हैव टू यूज अ सिंपल फॉर्मूला व्हेनेवर दे आस्क अबाउट द कंज्यूमर। तो आपको देखना है कि कंज्यूमर किस डिग्री का है, उसमें वन जोड़ देना है, दैट विल बी द ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दे आस्क प्राइमरी कंज्यूमर किस ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। तो प्राइमरी इज द फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट डिग्री मतलब वन। वन में हम लोग वन जोड़ देंगे तो दिस विल बिकम टू। प्राइमरी कंज्यूमर इज प्रेजेंट एट T2 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोर। हियर यू हैव टू एड डिग्री प्लस टू, कंज्यूमर में प्लस वन, कार्निवोर में प्लस टू। मान लीजिए क्वेश्चन है, सेकेंडरी कार्निवोर किस लेवल पे पाया जाता है? तो सेकेंडरी कौन सा डिग्री हुआ? टू नंबर डिग्री। इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे? टू जोड़ेंगे, तो टू प्लस टू विल बी गिविंग यू T4 ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी कार्निवोर इज प्रेजेंट एट T4। सो कंज्यूमर्स के लिए आपको डिग्री में वन जोड़ना है और कार्निवोर के लिए डिग्री में टू जोड़ना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, we have something called the detrivores, that is the decomposers. आखिर इनका कौन सा पोजीशन है in this tropic levels? So very important question, detrivores are present at each and every tropic level. Next very important concept is three terms, biomass, standing crop and productivity. हर student को in these terms में बहुत ज्यादा confusion होता है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी देयर यूनिट्स। एक बार आप उनके यूनिट्स देख लेते हैं, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लाइक बायोमास, बायोमास का यूनिट होगा ग्राम। तो ग्राम इज व्हाट? ग्राम इज सिंपली द वेट। सो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, अगर मान लीजिए मैं T1 लेवल पे बात कर रहा हूं, तो वहां पे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उसमें टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कितना है, दैट विल बी द बायोमास ऑफ T1 लेवल। तो बायोमास सिंपली होता क्या है? अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर एंड इट्स यूनिट इज ग्राम। नेक्स्ट, स्टैंडिंग क्रॉप। अब देखिए, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगर मैं T1 लेवल पे बात कर रहा हूं तो व्हाट इज द बायोमास पर यूनिट एरिया, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन एन यूनिट एरिया, एंड व्हाट वाज लिविंग ऑर्गेनिक मैटर? दिस वाज द बायोमास। तो बायोमास पर यूनिट एरिया, बायोमास वाज ग्राम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर इज गोइंग टू बी द स्टैंडिंग क्रॉप। एंड नेक्स्ट, समथिंग कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ईयर मतलब टाइम आ रहा है। जब भी हम लोग टाइम लेते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रेट।
मान लीजिए आई एम एट T1 लेवल, तो T1 लेवल पे द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन एन यूनिट एरिया, मतलब कितना बायोमास प्रोड्यूस होता है इन अ पार्टिकुलर टाइम इन अ पार्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर इफ वी कन्वर्ट दिस बायोमास इनटू एनर्जी तो दिस विल बी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सो होप स्टूडेंट्स दीज थ्री टर्म्स आर वेरी क्लियर, बायोमास इज ग्राम, स्टैंडिंग क्रॉप इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड प्रोडक्टिविटी इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अबाउट प्रोडक्टिविटी इन डिटेल। तो प्रोडक्टिविटी अभी हमने बताया आपको, दिस इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन अ यूनिट एरिया। सो प्रोडक्टिविटी दो तरह का हो सकता है, आइदर दिस कैन बी अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दिस कैन बी अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इवन दिस कैन बी अ टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एट द T1 लेवल, मतलब T1 लेवल पे जो भी प्रोडक्टिविटी होगा उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, और जो भी प्रोडक्टिविटी T2 पे होगा उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे, जो भी प्रोडक्टिविटी T3 पे होगा उसको हम लोग टर्शियरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। नाउ लेट्स सी वन ऑफ देम, दैट इज वी आर टेकिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस एट द प्रोड्यूसर्स, दैट इज एट द ग्रीन प्लांट्स। तो आखिर ये ग्रीन प्लांट्स इस बायोमास को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? So obviously they have only one source of energy and that is the sun. तो sun का जो incident solar radiation होता है उसका only 50% is PAR, that is photosynthetically active radiation, और उसमें भी केवल 2-10% of PAR is captured by the green plants. अब देखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब वन टाइप ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हेंस दिस ग्रीन प्लांट्स विल बी कॉल्ड एज द ट्रांसड्यूसर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये कैसे कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी? सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके कारण से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर। सो नाउ सी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, उसमें एक टर्म आया ग्रॉस, मतलब टोटल बायोमास जो फिक्स हुआ है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्रॉस। बट ये जो हमारे प्लांट्स हैं दे विल बी शोइंग सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेस्पिरेशन। तो जब हम लोग जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। So GPP minus respiration loss is net primary productivity. Now if you see, यहां पर gross primary productivity produce हुआ, but we have lost something in form of respiration. तो जितना बचा that will be available for this primary consumers. तो again we can say that net primary productivity can be also defined as the available biomass for consumers at which level? At T2 level. If I ask you, who are these consumers at the T2 level? तो board में clearly लिखा हुआ है Harvey board, but one thing is missing here. I have told you that detritivores are present at each and every tropic level. So NPP is available biomass for consumers at T2 level. और कौन है ये consumers? Harvey boards and the detritivores. Next students, let's talk about food chain. तो फूड चेन का फर्स्ट टाइप है प्रीडेटरी फूड चेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। नाउ एज वी मूव फ्रॉम T1 टू T4 और T5 लेवल, इस फूड चेन में द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट अ प्रीडेटरी फूड चेन फ्रॉम द पैरासिटिक फूड चेन। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ प्रीडेटरी। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं अबाउट अ ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में दिस स्टार्ट्स विद द ग्रासेस, द साइज इज गोइंग टू बी स्मॉलेस्ट, देन वी हैव अ रैबिट जो कि उससे बड़े साइज का होगा, देन वी हैव अ फॉक्स एंड देन वी हैव द लायन व्हिच इज गोइंग टू बी योर लार्जेस्ट इन साइज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सी, फाइटोप्लैंक्टन से हम स्टार्ट करेंगे, देन जूप्लैंक्टन्स, देन स्मॉल फिशेस एंड फाइनली वी विल हैव समथिंग कॉल्ड द लार्ज फिशेस।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स टेक द पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है, जैसे जैसे हम T1 से T4 की तरफ जाते हैं द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडेटरी एंड द पैरासिटिक। लेट्स टेक एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ ट्री दिस इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट इन साइज। नाउ इस ट्री पे जो पैरासाइट है वो है बर्ड। बर्ड के ऊपर कुछ और पैरासाइट्स होंगे और इन पैरासाइट्स के ऊपर जो और पैरासाइट्स हैं दे आर कॉल्ड द हाइपर पैरासाइट्स। दे विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज। नेक्स्ट वन इज द सेप्रोफाइटिक फूड चेन, ऑल्सो कॉल्ड द डेट्राइटस फूड चेन। दिस फूड चेन स्टार्ट्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जब वो मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करना होता है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन। डेड ऑर्गेनिक मैटर, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड देन वी हैव गॉट द डेट्रीवोर्स। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज द मेजर कॉन्विट फॉर द एनर्जी फ्लो। मतलब एनर्जी फ्लो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन्स में, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में किस फूड चेन के थ्रू होता है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो मेजर एनर्जी फ्लो इज थ्रू डेट्राइटस फूड चेन, दैट इज द सेप्रोफाइटिक फूड चेन। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ एक्वेटिक इकोसिस्टम, द सेम थिंग टेक्स प्लेस थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्रीडेटरी फूड चेन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियम पिरामिड्स, बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स एल्टोन। Now students, the first pyramid is pyramid of energy and this pyramid का shape हमेशा और हमेशा erect होता है, upright होता है, भले मैं किसी भी type के ecosystem के बारे में बात कर रहा हूं। Like, let's take the example here, we have the T1, T2, T3 and T4 level. T1 पे producers हैं, then we have primary consumers, then secondary consumers and then we have got the tertiary consumers. Now, जैसे एनर्जी यहां से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, what happens? 90% of the energy is lost in form of heat or respiration loss. Only 10% of energy is transferred. तो जैसे स्टूडेंट मान लीजिए T1 लेवल पे we have got 10,000 किलो कैलोरी, मान लीजिए we have got 10,000 किलो कैलोरी, so 90% लॉस हो जाएगा। और T2 लेवल पे केवल और केवल 10% ट्रांसफर होगा, तो T2 लेवल पे this will be only 1,000. At T3 level, फिर से केवल 10% of 1,000, that is 100, and then only 10% of 100, that is 10. So, producers को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है और जो टॉप लेवल पे कंज्यूमर्स होते हैं उनको सबसे कम एनर्जी मिलता है। एज वी मूव अप दिस इज गोइंग टू गेट नैरो एंड द शेप ऑफ द पिरामिड विल बी ऑलवेज इरेक्ट और अपराइट। नेक्स्ट टेक द पिरामिड ऑफ नंबर। नाउ यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट अ ग्रासलैंड और अबाउट अ सी, इन दोनों केस में दिस इज गोइंग टू बी इरेक्ट और अपराइट। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर, मान लीजिए सबसे पहले ग्रासेस, तो ग्रासेस का नंबर सबसे ज्यादा होगा, followed by the rabbits, followed by the fox and lion का number सबसे कम होगा। तो जैसे हम नीचे से ऊपर की जाएंगे this will get narrow and the pyramid is going to be erect. Same thing for the sea also, phytoplanktons maximum in number, zooplanktons उससे कम, small fish उससे कम और large fishes are going to be the minimum. So this is going to be erect in a grassland or a sea. But यहाँ पे shape दूसरा भी हो सकता है। Let's take an example जहां पे कि ये सेमी इरेक्ट या स्पिंडल शेप का होगा। मान लीजिए आई एम टेकिंग अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वहां पे वी हैव अ ट्री। नाउ इस ट्री पे जो डिपेंडेंट बर्ड्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू द ट्री। बट इन स्मॉल बर्ड्स पे फीड करने वाले जो लार्ज बर्ड्स होंगे उनका नंबर फिर से कम हो जाएगा। तो यहां पे नंबर कम है बट यहां पे स्मॉल बर्ड्स का नंबर बढ़ गया, तो बीच में बल्ज आ गया, बट सबसे ऊपर में लार्ज बर्ड्स अगेन नैरो हो गए। सो देयर इज अ बल्ज इन द मिडिल, हेंस दिस इज कॉल्ड सेमी इरेक्ट और स्पिंडल शेप। एट द सेम टाइम पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो। नाउ दिस विल बी इन्वर्टेड कब, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैरासिटिक फूड चेन। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स पैरासिटिक फूड चेन में जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, वी हैव अ ट्री। नाउ ट्री के ऊपर जो पैरासाइट्स हैं दे आर द बर्ड्स, उनका नंबर ट्री से ज्यादा होगा, बट
बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट्स होंगे उनका नंबर उससे भी ज्यादा होगा, और पैरासाइट्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैरासाइट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइपर पैरासाइट्स, उनका नंबर और भी ज्यादा होगा। हेंस एज वी मूव फ्रॉम डाउन टू अप, दिस इज गोइंग टू गेट फ्लैटेन, दिस इज गोइंग टू गेट मोर ब्रॉड, इस कारण से दिस पिरामिड इज अ इन्वर्टेड पिरामिड। सो पिरामिड ऑफ नंबर इरेक्ट होता है ग्रासलैंड और सी में, सेमी इरेक्ट और स्पिंडल इन अ फॉरेस्ट, बट आपको देखना है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट कैन बी अ इन्वर्टेड वन इन अ फॉरेस्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैरासिटिक फूड चेन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मैंने आपको बताया था, दिस इज द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। सो यहां पे दिस इज गोइंग टू बी इरेक्ट इन अ ग्रासलैंड। नाउ ग्रासलैंड में क्या है भाई, तो ग्रासेस का जो बायोमास होने वाला है, टोटल ग्रास एट दैट ट्रॉपिक लेवल विल हैव द हाईएस्ट बायोमास, बट उससे कम बायोमास होगा रैबिट्स का, उससे कम बायोमास होगा फॉक्स का, और उससे भी कम बायोमास होगा लायन का, बिकॉज द नंबर ऑफ लायन इज गोइंग टू बी द मिनिमम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो, तो बायोमास इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है। इन्वर्टेड इन केस ऑफ अ सी, सी में वी हैव टू स्टार्ट विद द फाइटोप्लैंक्टन्स, इनका बायोमास सबसे ज्यादा कम होता है, बट इससे ज्यादा बायोमास होगा जू प्लैंक्टन का, उससे ज्यादा बायोमास होगा स्मॉल फिश का, एंड लार्ज फिशेस दे आर सो लार्ज इन साइज दे आर गोइंग टू बी हैविंग द लार्जेस्ट बायोमास। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इकोसिस्टम। मैं बहुत ही जल्द आपको इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात करूंगा, डिकम्पोजिशन के बारे में बात करूंगा, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात करूंगा, वो बहुत ही जल्द मैं लेके आने वाला हूं। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।